आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल गोभी आलू। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा फूल आपको गोभी का काटना है। सबसे पहले हम गोभी को फ्राई करेंगे। जब तक गोभी का कलर गोल्डन ब्राउन तक नहीं हो जाता तब तक हमें इसको फ्राई करना है। अभी थोड़ा सा फ्राई और करेंगे हम गोभी को। गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे फ्राई करने के लिए। और मैं गोभी आलू को बनाऊंगा भी इसी कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई के अंदर, जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं। देखिए इसमें आलू भी हमने जो है लंबे लंबे काटे हैं, आपको आलू भी ऐसे लंबे लंबे ही काटने हैं। देखिए आलू भी हो चुके हैं, अब हम जो है इसका तड़का बनाएंगे। इसमें मैं सबसे पहले जो है डालूंगा जीरा, एक दो साबुत मिर्ची, ये जाएगी इसमें थोड़ी सी हींग, ये चॉप अदरक, चॉप लहसुन, और ये जाएगा इसके अंदर चॉप हुआ हुआ प्याज। इस मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे पहले, एक तरीके से जैसे चॉप मसाला बनता है रेस्टोरेंट में वही चॉप मसाला बनाएंगे, बट वो हम मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में आप कैसे बनाएं। आज में कलर आना चालू हो गया है, अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगा। अब इसमें जाएंगे थोड़े से सूखे मसाले, जैसे ये गया इसमें धनिया पाउडर, ये गया इसके अंदर जीरा पाउडर, और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा पानी ताकि जो मसाला है हमारा वो जले ना। और अब मैं इसमें साथ ही में डाल दूंगा टमाटर, ये चॉप किया हुआ टमाटर है। इसमें हम टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगा नमक स्वाद के अनुसार, ये इसमें जाएगी हल्दी, और ये जाएगी इसमें देगी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगा मैं। और अब इस स्टेज में इसमें जाएगी थोड़ी सी टमाटर, फ्रेश टमाटर की प्यूरी। ये जो है हमारा जो मसाला है तकरीबन तैयार है। अब डालूंगा इसमें थोड़ा सा अदरक का लच्छा, हरा धनिया, और इसको भी साथ ही में थोड़ा सा भून लूंगा मैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा चाट मसाला, इसके अंदर डाल दूंगा जो गोभी और आलू मैंने फ्राई करके रखे थे, और साथ में ऊपर थोड़ा सा अमचूर बस। और इसको अच्छी तरीके से हिला देंगे हम मसाले को, मसाले के साथ मिला देंगे। ध्यान रखिएगा इसको ज़्यादा नहीं हिलाना है आपने, अगर आपने इसको ज़्यादा हिला दिया तो आपकी गोभी जो है वो टूट जाएगी और इसको खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। देख रहे हैं आप गोभी आलू की शक्ल, दो फाड़ करके हरी मिर्च रखी हुई है वो डालेंगे, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। लीजिए ये हमारी हलवाई स्टाइल गोभी आलू की सब्जी तैयार है, और इसको अब हम सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारे गोभी आलू तैयार हैं, और अब आप इसको आराम से फुलके के साथ या किसी और चीज़ के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, वो है chef.anirudh80। थैंक यू।